बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का दर्द निकल कर सामने आया। सागर में सार्वजनिक सभा में दिए गए भार्गव के बयान में बीजेपी सरकार ना बन पाने की कसक तो दिखाई दी, साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की अपनी इच्छा भी जाहिर कर दी। भार्गव ने कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 109 और कांग्रेस को 114 सीटों पर जीत मिली, यह आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता तो आज प्रदेश में बीजेपी की सरकार होती और क्या पता आपके क्षेत्र से ही कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाता। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि उनके मन में कभी पद का लालच नहीं रहा और आज वे बतौर नेता प्रतिपक्ष किसी मंत्री से ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन उन्हें इसका घमंड नहीं है। हमारे 108 विधायक हैं, उनके 114 विधायक, यदि 4-5 इस तरह हो गए होते आज मुख्यमंत्री हो सकता है कि आपके यहां का कोई आदमी हो। या जो भी होता, पार्टी जो भी तय करती है उसके लिए हम जिम्मेवार। वो बात नहीं कह रहे, मेरे मन में कभी पद का भी कोई लालच नहीं रहा।